अजय के तहत दूसरी फ्लाइट आ गई है और तमाम जो लोग हैं उनका आना शुरू है। सबसे पहले तो आपका क्या नाम है? भानुमिता। भानुमिता, आप कहाँ रह रहे थे इसराइल में? मैं हाइफा सिटी में रह रही थी, नॉर्थ इसराइल। किस तरीके की सिचुएशन वहाँ पर बनी हुई है अभी? वो पहले से बहुत बेहतर है, लोग कंट्रोल करने का कोशिश कर रहे हैं, सिचुएशन को काफी हद तक कंट्रोल में आ रही है। नॉर्थ इसराइल इतना अफेक्टेड नहीं है जितना साउथ इसराइल अफेक्टेड है। अच्छा, ये बताइए कि जब 7 अक्टूबर को हमला हुआ था आप लोग उस दिन कहाँ थे एंड डिड यू फील एनीथिंग? मैं अपने डॉर्म्स में थी, हमें न्यूज हमारी यूनिवर्सिटी के अथॉरिटीज ने दी थी, हमने कुछ नहीं सुना था क्योंकि मैं नॉर्थ में थी, लेकिन डर ऑब्वियसली लग रहा था कि क्या होगा, बट इतना हमने नहीं देखा जितना साउथ में लोगों ने देखा है। लेकिन जैसे ये मूवमेंट आया कि ऑपरेशन अजय चल रहा है और ऐसे में कि अगर आपको जाना चाहें तो आप लोग जा सकते हैं, तो पहला थॉट आया कि घर चलते हैं? जी। और क्या कहेंगे इस ऑपरेशन के बारे में जो तमाम छात्र? काफी अच्छा था, बहुत अच्छी थी। यहाँ पर देखिए जो छात्र आए हुए हैं वो वहाँ पर जो है वो कह रहे हैं, ये पीएचडी के छात्र हैं और बता रहे हैं कि हाइफा में सिचुएशन इतनी खराब नहीं है, पर जो बाकी जगह है उनमें कहीं ना कहीं डर जो है वो बना हुआ है और ऐसे में ये सिचुएशन जो है लगातार बनी हुई है। और यहाँ पर आप देखिए बहुत सारे लोग जो है वो पहुंचे हुए हैं। सर, आप कहाँ रह रहे थे इसराइल में? इसराइल रहवत, रहवत। ये कौन सी साइड है? इट्स मिडिल सेंट्रल। या तो वहाँ पर कोई असर दिखा जो 7 अक्टूबर को जिस तरीके से चीजें हुई? देर आर फ्यू अलार्म ओवर देयर बट इट्स फाइन बिकॉज वी हैव अ सेफ्टी एंड शेल्टर रूम एंड वी स्टेड देयर। ओके, एंड जिस तरीके से ये ऑपरेशन अजय चलाया गया है जिसमें आप लोग आए, व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट दैट? आई रियली थैंक्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो लोग सेंट्रल इसराइल में रह रहे हैं वो भी बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा असर वहां देखने को नहीं था, लेकिन जाहिर तौर पर जिस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है ऐसे में मामले बढ़ जाएं, कब बढ़ जाएं उसका कुछ पता नहीं होता, और इसीलिए ये पहली चीज उन्होंने जो फॉलो की वो ये की कि ये वहां से बाहर आ जाए। और जैसे ही ऑपरेशन अजय की बात शुरू हुई वो ये दूसरी फ्लाइट है, लोगों ने वहां पर अपने आप को रजिस्टर किया और ये दूसरी फ्लाइट है जहां से जो लोग हैं वो बाहर की तरफ आ रहे हैं। कई और लोगों से भी हम लोग बात करने की लगातार कोशिश करेंगे, बहुत लोग जो है यहां पर नजर आ रहे हैं एक के बाद एक, सबके चेहरों पे अगर आप देखें तो एक स्माइल जरूर दिखती है क्योंकि वो सुकून कि आप घर वापस आ गए हैं वो देखने को जरूर मिलता है। और ऐसे में लोग कह रहे हैं कि वहां पर तरह तरह के इंतजाम किए गए हैं सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर, लेकिन आप जरा तस्वीरें भी देखें कि किस तरीके से फिलहाल इंतजार बना हुआ है और जो चेहरे कुछ नजर आ भी रहे हैं वो बेहद सुकून में बेहद मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग जो यहाँ पर हैं उनसे भी लगातार बात करने की कोशिश हमारी रहेगी क्योंकि लेकिन जिस तरीके से फिलहाल सिचुएशन बनी हुई है तो हम आपको दिखा रहे हैं कि ऑपरेशन अजय के दूसरे दिन भी लगातार लोगों का आना बना हुआ है। ऑपरेशन अजय की दूसरी फ्लाइट आज आ चुकी है और लगातार जो भारतीय हैं उनका आने का सिलसिला चल रहा है। सर, आपका क्या नाम है और इसराइल में कहाँ आप रहते हैं? मेरा नाम डॉक्टर आत्रे है, मैं इसराइल में सेंट्रल इसराइल में रहवत सिटी में वाइजमैन इंस्टीट्यूट से पोस्ट डॉक्टरल रिसर्चर हूँ। अच्छा, तो क्या सिचुएशन है सर? अभी तो हम लोग सिर्फ टीवी से देख रहे हैं, एक्चुअली टीवी में थोड़ा मतलब अलग ही दिखा रहा है क्योंकि हमने भी देखा इंडियन न्यूज चैनल्स को, सो जो सिचुएशन वो दिखा रहे हैं वो सिर्फ बॉर्डर्स में है, सेंट्रल इसराइल में और नॉर्थन इसराइल में थोड़ा ठीक था, लेकिन हमको भी थोड़ा डर लगा क्योंकि लोग इधर पेरेंट्स लोग और रिश्तेदार लोग इंडियन मीडिया देख के थोड़ा टेंशन हो जाता है, लेकिन इसलिए मुझे लगा सेंट्रल इसराइल में एक्चुअली सेफ है, लेकिन सैटरडे को थोड़ा मतलब टेंशन सिचुएशन था लेकिन बाद में थोड़ा ठीक हो गया और गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट किया हमको, गवर्नमेंट ऑफ इसराइल और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों बहुत सपोर्ट किया तो थोड़ा सेफ लगा एक्चुअली, लेकिन वो उनका मतलब एक्चुअल रूटीन है सायरन सुनने का और सायरन सुनने में बॉम्ब शेल्टर जाने का, तो हमको भी वो थोड़ा आदत हो गया। अच्छा, ठीक है, तो जिस तरीके से अभी ऑपरेशन अजय का आज ये दूसरा फ्लाइट है जिसमें आप आए, अगर डर जैसा माहौल नहीं था तो वापस आने का क्यों? वापस आने के टाइम पे हमको थोड़ा लगा क्योंकि अगर आने के रास्ता पे अगर सायरन मिल गया तो कहाँ जाओ, कैसे जाओ शेल्टर पे ऐसे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ भगवान की कृपा से, तो हमको ठीक लग रहा है। और एम्बेसी ने एयरपोर्ट में हम बहुत अच्छा तरह से रिसीव किया, इधर भी गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छा तरह से रिसीव किया एंड आई कैन से थैंक यू मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका। थैंक यू। डॉक्टर आत्रे हैं जो साफ तौर पर बता रहे हैं कि सिचुएशन किस तरीके से इसराइल में बनी हुई है, इनका कहना है कि सेंट्रल में या नॉर्थ साइड में उस तरीके से माहौल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बात की जाए तो डर जो है वो कहीं ना कहीं बना हुआ और ये डर बढ़ता जा रहा है और यही कारण है, कह रहे हैं कि पहले नहीं आना चाह रहे थे लेकिन यही कारण है कि अब इन्होंने वापस आने का जो डिसीजन है वो लिया। और एम्बेसी ने केवल एक दिन मेल की और अगले दिन इनको जानकारी दी कि इनकी फ्लाइट बुक है और वो अगली फ्लाइट से वापस जा सकते हैं, तो ये ऑपरेशन अजय को लेकर भी जो तमाम लोग हैं उनके उनसे ये बातें सुनने को मिल रही है कि किस तरीके से बेहद स्मूथली ये तमाम लोग वहां से यहां पहुंच गए हैं।